मूड है? क्यों, रिहर्सल करनी है, टेक करना है? टेक करते हैं। टेक। आप यकीन करेंगे, इन प्रोग्रामों से पहले हम में से दो ने कभी बर्फ नहीं देखी, और दो ने बर्फ तो देखी थी लेकिन कभी बर्फबारी होते नहीं देखी। दिन भर बर्फबारी तो नहीं हुई लेकिन हमने खूब एंजॉय किया, और रिजवान साहब उन्होंने तो इतना एंजॉय किया कि बीमार होके बिस्तर में पड़ गए। हम तीनों रात में आग जलाकर बाहर बैठे रहे, हर तरफ एक नामालूम सी उदासी छाई हुई थी।
बादलों की वजह से चांदनी बिल्कुल नहीं थी, अलबत्ता बर्फ से भरे मैदान के एक टुकड़े पर कहीं से रोशनी आ रही थी। मेरा जी चाहा कि काश इस जगह पर एक पियानो भी होता। इमेजिनेशन ने काम दिखाया और ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई।
कितनी बदकिस्मती की बात है कि हम लोग जो शहरों की नई आबादियों में जवान हुए हैं, हम में से अक्सर ने अपने पुराने शहर नहीं देखे। इस बात का एहसास हमें लाहौर के अंदरून शहर जाके हुआ। मुगल दौर की यादगार, पुराने पुराने मकान, तंग तंग गलियाँ और खाने पीने की इतनी ज़्यादा चीज़ें, और ये सब की सब इतनी टेस्टी कि बस मज़ा ही आ गया। आप लाहौर की सैर को गए हुए हों और इत्तेफाक से उन्हीं दिनों में बसंत आ जाए तो आप बगैर सोचे समझे अपने आप को खुशकिस्मत समझ सकते हैं। कट गई ना पतंग, तो कटी नहीं उंगली कट गई। चल खैर है, इस तरह तो होता है, इस तरह की कहो। वाह भाई, तूने तो बड़ा इंतजाम किया है, लगता है लंबा ही एक्सपीरियंस है तेरा इसमें। बचपन में दो ही बातों पे वालिद साहब से मार खाई है, कबूतर उड़ाने पे और गुड़िया उड़ाने पे। अरे झूठ ना बको, बचपन में इश्क लड़ाने पे जो चमड़ी उतरती तेरी है। ओए छोटे, कौन थी वो? दफा कर यार। अबे ओ, बताता है कि लड़ाऊं एक। अच्छा अच्छा छोड़ना, बताता हूँ। बताना, कैसे होती नहीं मुलाकातें? बस हो ही जाती थी यार मुलाकातें। वो कहते हैं ना, अल्लाह शक्र खोरे को शक्र दे ही देता है। वाह बखोरे। जुनैद जल्दी आ, जल्दी आ। खामोश हो क्या बात है, कुछ कह दिया माँ बाप ने, तो क्या हुआ, जिद ना करो, कह दो मुझे दिया माँ बाप।
खबर मिली कि चोलिस्तान में चनर पीर का मेला हो रहा है। हम सब ने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और पहुंच के गांव वालों के साथ झूमर डालने। Thank you.
अमर कर ली। ये शाम फिर नहीं आएगी, इस शाम को इस साथ को आओ अमर कर ले, अमर the